प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें कर्मचारियों के कल्याण, किसानों के निर्बाध बिजली आपूर्ति, ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और रेल परिवहन के विकास से जुड़े निर्णय शामिल हैं। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों के साथ वार्ता की। इस दौरान इन फैसलों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, कृषक हित, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, रेल परिवहन के विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों की ग्रेचुएटी और डेथ ग्रेचुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा अब राज्य के पुरुष और महिला कर्मचारी CGHS की तर्ज पर RGHS यानी राजस्थान राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को शामिल कर सकते हैं, यदि वे आश्रित हो और साथ निवास कर रहे हो। इस निर्णय को लागू करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम 3 और 9 में संशोधन किया जाएगा। वहीं बैठक में बताया कि पारिवारिक पेंशन में भी बड़ा सुधार किया गया है। अब यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 55 और 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। RGHS के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के RGHS कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेव की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है तथा इन उपक्रमों के कार्डधारक पेंशनों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को RGHS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुएटी एवं डेथ ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिए। इस तरह कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब उसे केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 55 और 62 संशोधन की जारी अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। अरे पेंशनरधारी कर्मचारी है उनमें आउटडोर चिकित्सा सुविधा जो उनको मिलती थी उसमें उनकी लिमिट 20,000 थी और आज हमने उसको बढ़ा करके 30,000 तक की आउटडोर सुविधा जो उनको मिलती है 30,000 कर दिए। उसी का दूसरा पार्ट है कि कर्मचारी की डेथ के उपरांत ग्रेचुटी या डेथ ग्रेचुटी की एक लिमिट थी, वो जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख कर दिए। अब किसी कर्मचारी की डेथ पर उसको ग्रेचुटी या डेथ ग्रेचुटी जो मिलेगी वो 25 लाख मिलेगी 20 लाख के स्थान पर। और तीसरा आपको जानकारी दी है, जैसा कि केंद्र सरकार के कार्मिक जो है, कर्मचारी जो है, केंद्र सरकार के जो विभाग में काम करने वाले हमारे जो साथीगण हैं उनकी तरह उनको 10 वर्षों तक डेथ के बाद में पारिवारिक पेंशन मिलती थी, वो सेम स्कीम हमने राजस्थान में लागू की है। और हमारे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की डेथ के उपरांत फैमिली पेंशन जो मिलती है वो 10 वर्षों तक बढ़ी हुई मिलेगी। ये हमारे कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसले वर्तमान सरकार ने लिए, आज के कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है।
वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 और राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय सेवा नियम 2017 में संशोधन का अनुमोदन किया। इन संशोधनों से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए थे, अब उनकी पदोन्नति की जा सकेगी और उन्हें नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। राजस्थान जिला न्यायालय सिविल लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 14 एवं 20 के उपनियम 4 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इन संशोधनों के पश्चात न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इन संशोधनों के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों के चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए थे। और इससे हमारे कर्मचारियों में एक जो बात बार बार आती थी कि हमें सरकार में इतना मिलता है, हमको कम मिलता है, हमने उसी तर्क पर आज ये फैसला किया, इसके अप्रूव किया है। दो विशेष तथ्य भी आपको हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी ने बताए हैं कि लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी हैं उसमें दो वर्ग है, एक हमारे लिपिक वर्ग है और एक हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी हैं। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था या और फायदे नहीं मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि दो से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आड़े नहीं आएगा, संतान दो या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। ये तीन जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि हमारी सरकार आम जन के साथ ही साथ कर्मचारियों की भी हितैषी है और कर्मचारी हमारे सरकार के अंग हैं। कर्मचारी हमारे सरकार की हर क्रियाकलाप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में RDSS यानी रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत कृषि फीडरों के 11 केवी फीडर पृथक्करण की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 7,896 करोड़ रुपए की लागत से 7,522 फीडर सेग्रीगेशन के कार्य किए जाएंगे। इन फीडरों पर नए सोलर पावर प्लांट लगाने, मीटर बिलिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य भी शामिल किए जाएंगे। इससे किसानों को दिन के समय बिजली मिल सकेगी और ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। मंत्रिमंडल ने 3000 मेगावाट की 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। बीकानेर जिले के पुगल तहसील के ग्राम बरजू में 50.42 हेक्टेयर भूमि सबस्टेशन की स्थापना के लिए आवंटित की गई। इन परियोजनाओं से राज्य में क्षेत्रीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। वहीं राज्य के रेल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया रेल लाइन आमान परिवर्तन परियोजना के लिए राजसमंद जिले में 42.1576 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। इस रेल लाइन से मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं मंत्रिमंडल ने जयपुर में MSME मंत्रालय को टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए JDA की दहमी कला संस्थानिक योजना में 12 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इससे युवाओं को MSME सेक्टर से जुड़ी उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा और उनमें कौशल का विकास होगा। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर
श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा, देवगढ़, मदारिया, आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई। राजस्थान के 6 जिलों में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर जहां कांग्रेस ने कमर कस सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा भी अब अपनी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाकर इन सीटों में सेंध लगाने में जुटी हुई है। भाजपा की भजनलाल सरकार लगातार बैठ के कर कर्मचारी, किसान, युवा, महिला समेत सभी वर्गों को खुश करने में लगे हैं। मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले अब इन सीटों के लिए कितना कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा।